राधे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मैगी आटा नूडल। तो इसके लिए हम लोग एक पैन गरम करेंगे, उसमें 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। उसके बाद ऑयल को हम लोग गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। और आप लोग बताइए, आपको मैगी ज़्यादा पसंद है या मैगी आटा नूडल? मेरे को तो दोनों ही अच्छी लगती है, मैगी आटा नूडल भी और मैगी भी, दोनों ही अच्छी लगती है मेरे को। तो हम लोग ऑयल जो हीट हो चुका है, हम लोग प्याज डाल देंगे थोड़ा सा। तो प्याज हमारा भून रहा है, प्याज को हम लोग भुनने देंगे थोड़ा सा ब्राउन होने तक। उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ी सी मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च। मेरे को स्पाइसी भी अच्छा लगता है। आप लोग को अगर स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप लोग हरी मिर्च अवॉइड भी कर सकते हो। कोई कोई कम तीखा खाता है जिस हिसाब से, तो आप लोग हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हो। मेरे को स्पाइसी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कितना प्यारा दिख रहा है ना गाइस। इसमें टोमेटो ऐड कर देंगे। अभी तो मटर का सीजन नहीं है, तो मटर आ नहीं रहे हैं। जो पैक्ड मटर है वो मेरे पास ख़त्म हो गए थे, इसलिए मैंने मटर ऐड नहीं किए इसमें। वैसे जो मैगी मसाला होता है, इसमें मटर भी मतलब रहता है ऐड। अब इसमें थोड़ी सी हम लोग लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे, पकने देंगे इसको। इसमें थोड़ी सी आधी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। मैगी आटा नूडल बहुत अच्छा बनने वाला है गाइस, आप लोग भी इसको ट्राई करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप लोग इसमें कम आप लोग थोड़े और कम सामान में भी इसको घर पर बना सकते हो। ये बहुत टेस्टी भी लगता है। मेरे को केचप बहुत पसंद है। टोमेटो सॉस, तो हम लोग टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो 2-3 चम्मच। इफ़ आपको नहीं पसंद है, आप लोग अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि आपने टोमेटो तो ऐड किया ही है। तो अगर सॉस आप ऐड नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते। ये सोया सॉस, ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। ये मसाला है, इसके मैं बोल रही थी गाइस, इसमें मटर होता है। ये बॉईल हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे आपको। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम लोग। जो हमारा मैगी आटा नूडल है, तो इसके लिए हमने जो मसाला वो तो बना लिया है। हम लोग 1 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। जो मैगी आटा नूडल है, तो हम लोग इसको डाल देंगे इसमें। अरे गाइस, में से गिर गया था वो उसी में, आप लोग देख के ऐड करना। तो हमारा मैगी आटा नूडल अब रेडी होने ही वाला है। देखिए अब ये पक रहा है। वाह, पक गया गाइस, पक गया। आप लोग थोड़ा पका लेना इसको, बन गया। अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।